स्मार्ट है। कैसे लेफ्ट ले लो भैया? देखो जा, देखो तो। मुझे क्यों नहीं ले रहे भैया? तो किसको लूं? साढ़े बारह एयरपोर्ट पे होना था, साढ़े बारह यहीं हो गए। रास्ते में रुक के समोसे भी खा रहे। अब तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? मुंह दिखा। इसमें भी कह दो कि मेरी गलती है। वर्स्ट स्टार्ट टू अ ट्रिप। अब तुमने क्या बोला फिर से? बोल क्यों बोलूं? बोल दे फिर से। हां सारी गलती मेरी है। यही रही होगी। सुधरती क्यों नहीं है? What do you mean by your work? It was your work. You said you will do it. This is not the thing. The thing is, you said we will leave at 1:30 flight. Okay, for that also you are. I said 12 o'clock. I'm booking the cab. Cab आ गई. मैं बैठ के चला भी गया. मैं आज रात से वापस आया हूँ कल लेने. No, no. Why can't you do it? आपको करना है. Why can't you do it? Why can't you do it? That's not a question. बट वेन यू आस्क अ क्वेश्चन दैट इज अ क्वेश्चन। टाइम का आता पता रहता नहीं है। छः बजे निकलेंगे, बारह बारह बजे तक सोती है ये। इतना मुंह फाड़ के दोनों तरफ से लार निकल रही होती है ऐसे। वी विल नॉट बी एबल टू कैच दिस फ्लाइट आल्सो। इतनी बढ़िया से छूट रही है। ये 4 दिन की छुट्टी है। हां तो मेरी तो नहीं है ना। अगले जन्म में बनूंगा रितु और तू बन गौरव। मैं बताऊंगा तेरे को कैसे। ऐसी है मेरी दो बार मैं जिम जाऊंगा, मैं अपनी फ्लाइट करके आऊंगा, फिर मैं अपनी वीडियो कराऊंगा, फिर मैं उन्हें एडिट करूंगा। बस मेरी ऐसी है, मैं तुम्हें काम ही नहीं करना। मैं पता क्या करूंगा? मैं खाने वाली रख लूंगा और मैं सफाई वाली रख लूंगा और मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगा। खाने वाली मैंने कपड़े दो साल बाद रखी है मैं, और वो भी अब जाके रखी तो वो मैं कपड़े भी नहीं धोऊंगा। फिर सुबह चुप कर। फिर सुबह जो पानी आता है 6 बजे, मैं 6 बजे उठूंगा नहीं, कहूंगा अरे आज पानी कम यूज करना सब लोगों की, मैं मोटर चलाना भूल गई हूँ। शाम को फिर मैं अपने मायके जाऊंगा, मायके से बोलूंगा कि मैं 6 बजे आ जाऊंगा। फिर कहूंगा ट्रैफिक बहुत है, 6 से 10 मिनट ट्रैफिक में फंसा रहा। और जो 2 गिलास पड़े होंगे डाइनिंग टेबल पे उनको उठा के बोलूंगा पूरा घर साफ कर दिया मैंने। और खाने वाली तो अब इनको ये चिड़ होती है कि मेरा काम कम कैसे हो गया। बात ये है जब से खाने वाला है ना मेरा पेट का अल्सर ठीक हो गया। कोई खाना ढंग का बनता है घर पे? 2 साल में तो मैंने आपको अल्सर देखे। 2 साल में फिर मैं खुद बनाता अपना चिकन। झूठ मत बोल। आता घर पे मेहमान कहते हैं बाहर से मंगा लो। मैं अपने घर पे एक कैमरा लगवाऊंगी। मैं लगवाना चाहता हूँ कैमरा। तो यार कैमरा लगवाऊंगी। और कुछ भी बात हो, इसकी 2 चीज है। कुछ भी बात हो, अच्छा आपने कहा था क्या? मैंने सुना ही नहीं। बस मेरे लिए आसान हो जाएगा, मुझे याद नहीं है। ऐसा तो नहीं कहा था आपने? चिकन बनाना है, मैं चिकन बना लूंगी। कहते नहीं तेरे हाथ का चिकन कौन खाएगा। अब मेरे को लगा हाँ भाई शायद अपने को टेस्टी नहीं लगता होगा, मैं ना बनाऊं। आए जिम से, चिकन नहीं बनाया अभी तक। 100 बातें चल रही हो, उसमें से एक धीमी सी आवाज आ जाए ना जिसका तात्पर्य ये हो कि काम ना करना पड़े, तो ये वो बात सुन लेती है ये। बाकी 100 बातें नहीं सुनती है। फ्लाइट छूटने को है लेकिन लेंस लगाना नहीं भूली अपना। देख जरा, जब आप कभी मेकअप करना भूल जाया करो कि लेट हो रहा है, मेकअप नहीं करेंगे। देख जरा क्यों देखूं यार? क्यों देखूं? मेरे को 2 सेकंड लगती है लेंस लगाने में। 2 सेकंड लगती है लेंस लगाने में। 2 सेकंड लगती है लेंस बनाने में। मेरी शर्ट प्रेस करने में 2 घंटे लगते हैं उसको। स्लिप बन ली थी, 3-4 लड़कियां मिल गई थी। दे वांटेड टू टेक पिक्चर्स विद मी एंड दे वर हॉट आल्सो। मैं मना नहीं करता। जल्दी है तो मेरी इतनी फीमेल फॉलोइंग हो गई है। अगर जाते हो तो सॉरी बोल सकते हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। किसलिए बोल रहा हूँ पहले बताओ। मुझे पता, मैं सॉरी किसलिए बोल रहा हूँ। शादी के जो वचन लिए थे मैंने 7 फेरे, तो लड़कियों के 7 वचन होते हैं, लड़कों के 4 होते हैं। तो 5वां एक्स्ट्रा मैंने एक वचन एक्स्ट्रा लिया था कि कुछ भी हो जाए आई एम सॉरी। इसके बाद बोलूंगा तो जाके बैठ जा। अलग है इसके बाद निकाल ले रही है अपने पसीने को। तो सर आपको बेकार है। सुनो ये बता क्या, नहीं मैं बता क्या करती है। जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए 5,000 का बिल आया, 7,000 का, तो पे नहीं करेगी। जब 400 रुपए का बिल आएगा, चाय और पकौड़े खाने जाएंगे, तब ये पे करेगी। गाइस दिस इज, वी आर फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। दिस भारती, दिस इज द आफ्ट गैली। और ये जो है सीट, दिस इज द जंप सीट वेयर मी एंड रितु आर सिटिंग। We are traveling as jumpers. This is the aft galley. This is door 1. This is door 2. जिसमें से कि आपातकालीन स्थिति में मैं इसको उठा के फेंक दूंगा। नहीं उन्होंने कुछ किया नहीं है, ये इतनी ब्यूटीफुल है that I met her. So वो तो बेचारी खुश रहेगी, ब्लॉग में आ जाएगा। तो क्या किया इन्होंने? How do you know my wife? She is so beautiful that once somebody would meet her. झूठ बोल रही है। पैसा खाया उन्होंने, क्योंकि क्या होता है भ्रष्ट हो गया, बहुत करप्शन हो गया हिंदुस्तान में, सब भ्रष्ट हो गए। बट हाउ डू यू मैनेज टू ईट सो हेल्दी? हेलो अभी नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तो कुछ भी नहीं है, हम तो इससे भी ज्यादा हेल्दी खाते हैं।
ये मेरे व्लॉग का ओपनिंग सीक्वेंस होगा। मैंने पक्का पैसे खाए हैं। मैम लखनऊ से कानपुर जा रहे हैं। कानपुर में इसके साथ में जन्म लेने आज। यहाँ पे मैरिड कौन है? कोई मैरिड नहीं है। आप मैरिड हैं? हाँ, आप मैरिड हैं। दूसरे से ही मैरिड हैं। सोच सोच होंगे ये भी शादीशुदा है, वो भी शादीशुदा है। आप खाना तो एक ही साथ खा रहे हैं। खुशी दोनों आपको पसंद है। I was discussing a plan of a video with Ritu. तो उसमें रितु भी है, एक और दूसरी लड़की भी है। बट उस वीडियो में मेरा और दूसरी लड़की का हग है, सबसे चल रही है। कल रात से इससे चड़ोपड़ी बनी पड़ी है। और क्या स्क्रिप्ट लिख दो, ऐसी स्क्रिप्ट लिख दो जिसमें लड़की को हग किया, किसी भी को न्यूज़ पे किया, दिस इज माय वर्क। अगली बार तो इमरान हाशिम वाली स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं, देखते हो। कैसी लग रही है आपको 100 रुपए की चाय पति के पैसों की? कभी खुद के जेब से निकाल लिया करो। नेक्स्ट स्टेप इज लखनऊ टू कानपुर वाया रोड। कानपुर है, मेरा घर है कानपुर का। 10 साल पहले जैसे जो दुकानें थी आज भी वही हैं, तो सेम लोग हैं। पैरी पुना मम्मा पहचान नहीं पाई मेरे को, मैं समझी कि काम वाली आई। वही घर की पिन्नी कैसी है? कोई ऐसी चीज है जो तुम खा के कहे टेस्टी है? दिस इज माई फूड जो मैं घर से लेके आया, दिल्ली से लेके आया। सो आई ईट दिस। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती कि मैं 2 दिन के लिए उनसे मिलने आता हूँ, उसमें अपना खाना लेके आता हूँ, उनके हाथ का नहीं खाता। बट थोड़ा उनका भी खाऊंगा, थोड़ा अपना भी खाऊंगा। इट्स अ गुड बैलेंस बिटवीन डाइट एंड माँ का प्यार। तो मेरी मम्मी का सूट, क्योंकि मम्मी के सूट बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ये तो मिंत्रा से शॉपिंग करती है, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं मम्मा? आजकल मिंत्रा पे सेल लगी हुई है। तुम यार कितना भी मिंत्रा से शॉपिंग कर लो कपड़ों की, घर पे पहनते तो मेरी शर्ट और पजामा हो, इसके इतने कपड़े भरे हुए हैं। सोने के लिए मेरी सुपर ड्राई की टी शर्ट पहन के सो जाएंगी, और अपना जो 500 रुपए का मिंत्रा का सूट है वो बचा के रखती है। ये बड़ी चालू है, तेरे को भोला लड़का फंस गया है। मम्मी एक बात बता, जब तू इतने कपड़े लेके आई तो मम्मी का सूट क्यों पहना है? क्योंकि मम्मी के सूट बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो तू अनकंफर्टेबल क्यों मंगाती है? ब्रोकली का पराठा, चिकन की सब्जी। ये सिर्फ कानपुर में दिखता है, ये क्या है? वो टेम्पो। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ कानपुर। विक्रम, इनकी स्पेशलिटी ये भी है कि कहीं भी घुसा देते हैं। सवारियां अनलिमिटेड जितनी आ जाए। वो पीछे देखो, और देखो पीछे और भी खड़े हैं। वो बैठे कितने? 8 लोग बैठे आगे, कभी और भरेगा ये। नहीं पापा टिक्की नहीं खाऊंगी मैं, दही भल्ले। चाइनीज चाट नाम क्यों रखा है? सस्ती बेचते इसलिए? स्वास्थ्य का मतलब नहीं, ये चाट में मटर उटर पड़ती है तो लोग कहते हैं ये कैसी टिक्की बना रहे हो, इसका नाम रख दिए लोग। अच्छा, ये टिक्की का मुंह चाइनीज है, बिजी रेंज का नाम है स्टैंडर्ड चाइनीज चाट। तीन महीने के बाद खा रही है।
10 रुपए की भेलपुरी इसमें चार लोगों ने खाई है, इससे अच्छा और क्या होगा। कानपुर है ये, वाह। जय माता दी। इधर तो लिखोगे? बिल्कुल लिख लेता हूं। आप उधर जाओ यार, आपके सामने थोड़ा लिखवाएंगे। कैब भी ले ले। राम राम भैया, तुम्हारी वीडियो बनाने आए। कितने साल हो गए भैया रामचरण तुम्हें करते हुए काम? करीब 30 साल। 30 साल से? 30 साल हो गए भैया आपको? पापा चले कि हमारे दादाजी भी इसी से लेते थे। 30 साल से मूंगफली का ठेला यहीं पर लगता है कानपुर में, CTI चौराहे पे। जजक क्या साहब, जलेबी खाओगी? नहीं। 1100 ग्राम? अरे नहीं खाएंगे यार। भैया 100 ग्राम जलेबी दे दो। वही बहुत अच्छी है। तो साईं जलेबी भंडार, CTI चौराहा, कानपुर। रितु और मम्मी हर चीज में, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। जब लेके आओ बहुत टेस्टी है, लाओ लाओ। हम सिर्फ कानपुर में देखा है चटनी के साथ खाते मूंगफली। नहीं, दिल्ली में मिलती? दिल्ली में नहीं खाते, दिल्ली मेहनत नहीं करते हैं वो। छोटा हो गया ये। दिस इज दही, 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 दही। एंड व्हाट इज दही? आई डोंट नो दही। दिस इज मिल्क, द मिल्क। यस दिस इज मिल्क, स्लीपिंग इन नाइट एंड मॉर्निंग टाइट। ज्यादा खाओ सर पेट खराब हो जाएगा। कौन पप्पू? घोड़ी वाला, घोड़ी वाला। पापा का दोस्त था जो घोड़ी से गिर गया था। उस दिन मिला था मेरे को। अच्छी स्टोरी तो बताओ, क्या हुआ था उसके साथ? अरे बेचारा, घोड़ी मंगाई उसके लिए, उसको खिला रहे थे सब, बहनें खिलाती है ना चने की दाल घोड़ी को, बैठ गया। हाँ, उसका बड़ा भाई था ना, उसका बड़ा भाई था तारू, वो उसके दोस्त वोस्त थे, सब नशे में तुम थे। दारू सबने पी थी वो सामने गली में, जैसे ही अपना उन्होंने वो खिलाना शुरू किया, वो दाल लाल खिलाना शुरू की, चढ़ा ऊपर बैंड वालों ने बैंड शुरू किया, पटाखा। दूल्हे के भाई मुझसे दोस्त ने, छोड़ जाओ पटाखा, कोई घोड़ी डर गई। वो उल्टा गिरा था, दो पैरों पे आ गई थी। जैसे फिल्मों में होता है ना ऐसे, लेकिन घोड़े पे दूल्हा बैठा हुआ वो नीचे एकदम नीचे गिर गया हर बार में। फिर बड़ी मुश्किल से उसको उठाया दोबारा। पटक दिया था उसको, दो कदम चला। चटाई होगी कि भाई चलो कोई नहीं, गिर गया गिर गया, वरना दूल्हा का तो फील होना चाहिए ना, स्पेशल डे था उसका। आज ही तारू से प्रार्थी में आए, तारू से प्रार्थी में आए, फिर उसने बड़ा कुछ वो घोड़ी वाला बेचारा लगाम पकड़ी हुई, अब वो घोड़ी भी लगाम मगाम छुड़ा के फिर नहीं खड़ी हो गई। पप्पू गिर गया, पप्पू गिर गया। तो बोला आप नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा, कार से जाऊंगा। तीन बार बैठा था, सबने समझा बुझा के बिठाया उसको, तो जैसी वो गली खत्म होने वाली थी अभी, उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी, उनको ये नहीं पता भाई कि ये घोड़ी डर जाती है, गिर जाती है, वो समझे घोड़ी खराब है। फिर चला दिया पटाखा। एक बार अपने घर पे गिरा, एक बार दो तीन बार छोड़ के आगे गिरा, फिर वो जब सड़क आने वाली थी तो नाली पर नाली भी नहीं गिरा, बच गया, थोड़ी पहले गिर गया, फिर नहीं बैठा, फिर वो कार से ही गया, बुले ऐसे ही ले गया, खाली 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 बुले। जय राम जी की, सी यू टुमारो मॉर्निंग।